शेयर मॉडुलस का सिंबल क्या होता था? ईटा। इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। भूलना जाना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस एक ही बात है। इसका क्या एग्जाम्पल था? शेयर स्ट्रेन वाला एग्जाम्पल था। इमेजिन कर लो आपके पास ये एक स्केल्टन है क्यूब का या क्यूबॉइड का, वायर्स का बना हुआ है और नीचे ये फिक्स्ड है। तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाई कि पूरा स्केल्टन टेढ़ा हो गया और शेयर स्ट्रेन क्या हो गया? थीटा। तो थीटा हो गया, ये डिस्टेंस कितना बेंड हो गया राइट की तरफ, डेल्टा एल देख रहे हो, ये रहा डेल्टा एल, डेल्टा एल शिफ्ट हो गया और ये लेंथ सपोज कितनी है? एल। तो यहां पर टैन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या आ रही है? डेल्टा एल बाय एल। और जब एंगल छोटे होते हैं तो टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है? थीटा। ये ना नोट कर लो यहां पे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ईटा का फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने आपको, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एल बाय एल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो याद रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसमें शेयर स्ट्रेन कहां गया। डेल्टा एल बाय एल थीटा की ही वैल्यू है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि शेयर स्ट्रेन के अंदर क्या क्या कर रहे हैं इसमें। तो शेयर स्ट्रेन क्या है समझ में आ रहा है? तो शेयर स्ट्रेन तो थीटा है और ईटा क्या है? ईटा कोफिशियंट है, शेयर मॉडुलस है, जिसका फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। और एरिया कौन सा लेते हैं? एरिया ये लेते हैं, जैसे ये क्यूब है, आपने टेंजेंशियल फोर्स यहां लगाई, ये क्यूब का ये एरिया लेना है, ये वाला, छत का नहीं लेना, साइड वॉल का लेना है। तो फोर्स अपॉन वॉल का एरिया, तो फोर्स अपॉन वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की जगह डेल्टा एल बाय एल, ये इसका फॉर्मूला है। इसके ऊपर आप पी वाई क्यू के अंदर देखना, आपको इसमें फोटो मिल जाएगी इसकी, इसी फिगर की, और ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन है? अ स्क्वायर स्लैब है जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। अब ये फेस तो 50 बाय 50 है, लेकिन पीछे की तरफ जो फेस है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसे ये 50 बाय 50 है मेरा हाथ और ये 10 है, पीछे की तरफ 10 है। तो इस हाथ का एरिया क्या बनेगा? 15 इंटू 10, पीछे की तरफ ये कितना है? 10 है, और इस तरफ ये कितना है? एक साइड इसकी 10 है, एक साइड इसकी 50 है। तो पीछे की तरफ 10 है, ये 50 है, और फोर्स टेंजेंशियल कितनी लगाई? 9 इंटू 10 की पावर 4। लोअर एज इज रिवेटेड, बांध दिया इसे, हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस, डेल्टा एल निकालो। अब आपको ईटा पता है इसका, आपको ईटा का फॉर्मूला लगाना है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्या निकालना है आपको? डेल्टा एल निकालना है। फोर्स आपको पता है, लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर पता है, ईटा आपको पता है, और एरिया क्या लेना है? 50 इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड का एरिया क्या बनेगा? 50 इंटू 10 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके पुट करके आंसर आएगा। मतलब मेन काम इसमें एरिया निकालने का ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, फोर्स भी पता होता है, लेंथ भी पता होती है, सब कुछ ही पता होता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एरिया क्या लेना है। तो आपने साइड का वॉल का एरिया लेना है, जो भी ये क्यूब या क्यूबॉइड होगा, ये क्यूबॉइड है, तो साइड वॉल का एरिया लेना है, ये 50 सेंटीमीटर के बने और थिकनेस इसकी 10 के बने, तो 10 इंटू 50 एरिया होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें।